कश्मीर के 1200 साल पुराने मंदिर में पूजा से सरकार को आपत्ति क्यों? क्या मंदिरों में पूजा करने पर भी सरकार को आपत्ति होगी? प्राचीन सूर्य मंदिर में एलजी भी हुए शामिल, फिर क्यों हो रहा है विवाद? आखिर मोदी सरकार का भारतीय पुरातत्व विभाग क्यों कर रहा है पूजा का विरोध? ये धार्मिक अनुष्ठान, ये शान से लहराता भगवा और ये साधु संत पुजारी, नजारा कहीं और का नहीं, धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले उसी कश्मीर का है जहां से कश्मीरी पंडितों को भगाया गया था। उसी कश्मीर के अनंतनाग में स्थित 1200 साल से भी पुराने प्राचीन मार्तंड सूर्य मंदिर में करीब 3 दशकों बाद देश के कई राज्यों से आए 100 हिंदू ब्राह्मणों ने 2 दिन तक विधिवत पूजा पाठ किया और इस पूजा पाठ में खुद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डॉक्टर पीयूष सिंघल भी शामिल हुए। और पूजा पाठ की तस्वीर शेयर करते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने लिखा कि मार्तंड सूर्य मंदिर मट्टन अनंतनाग में शुभ नवग्रह अष्ट मंगल पूजा में भाग लिया, ये वास्तव में ईश्वरीय वातावरण में एक दिव्य अनुभव है। सरकार सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के प्राचीन स्थलों की रक्षा और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे स्थलों को जीवंत करना हमें धार्मिकता के मार्ग पर ले जाएगा और इस खूबसूरत धरती को हम शांति, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देगा। पूजा पाठ में एलजी मनोज सिन्हा के शामिल होने के बावजूद मोदी सरकार के भारतीय पुरातत्व विभाग को इस पूजा पाठ से दिक्कत होने लगी है और कथित तौर पर उसने प्राचीन मार्तंड सूर्य मंदिर में हुई पूजा पर आपत्ति जताई है। पीटीआई के मुताबिक एलजी के पूजा पाठ के बाद भारतीय पुरातत्व विभाग यानी कि एएसआई ने अनंतनाग जिला प्रशासन को अपनी नाराजगी से अवगत कराया है और चिंता जताई है क्योंकि ये खंडहर भारतीय पुरातत्व विभाग की निगरानी में 3650 पुरातत्व स्थलों में से है जिन्हें संरक्षित घोषित किया गया है। इन जगहों पर बिना अनुमति के धार्मिक क्रिया करना मना है क्योंकि इन स्थलों को राष्ट्रीय महत्व घोषित किया गया है। साल 1958 में बने भारतीय पुरातत्व विभाग से संबंधित कानून के मुताबिक किसी भी प्राचीन मस्जिद, मंदिर, चर्च या बौद्ध मंदिर में जो पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आने के समय निष्क्रिय था यानी वहाँ धार्मिक क्रियाएं नहीं हो रही थी तो वहाँ धार्मिक क्रियाएं करना प्रतिबंधित रहेगा। यानी प्राचीन मार्तंड सूर्य मंदिर को एएसआई की ओर से संरक्षित किया गया है, इसीलिए वहां पूजा पाठ करने से पहले एएसआई से अनुमति लेना जरूरी था लेकिन ऐसा नहीं किया गया, इसीलिए मंदिर में पूजा पाठ पर एएसआई ने कथित तौर पर आपत्ति जताई है। जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनंतनाग के मट्टन क्षेत्र में स्थित इस प्राचीन मंदिर में पूजा का आयोजन करने वाले राजस्थान के करावली एक हिंदू संगठन राष्ट्रीय अनहद महायोग पीठ के प्रमुख महाराज रुद्रनाथ महाकाल ने यह दावा किया है कि उन्होंने आने से पहले अनंतनाग के जिलाधिकारी डॉक्टर पीयूष सिंघला को ईमेल के जरिए पूजा पाठ का आयोजन करने की जानकारी दी थी लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूजा का आयोजन किया। महाराज रुद्रनाथ महाकाल ने बताया कि पूजा से पहले साधुओं को सूर्य मंदिर के मुख्य द्वार पर यह कहकर रोक दिया गया था कि ये जगह सुरक्षित नहीं है। जब उन्होंने इसकी परवाह किए बिना मंदिर में पूजा करना शुरू किया तो जिला प्रशासन ने उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों को तैनात कर दिया और जब खुद एलजी मनोज सिन्हा ने पूजा में हिस्सा लिया तो एसआई से अनुमति लेने का मामला ठंडा पड़ गया। प्राचीन मार्तंड सूर्य मंदिर का इतिहास। इस मंदिर का निर्माण 5000 साल पहले पांडव वंश के राजा रामदेव ने कराया था। कश्मीर में बौद्ध धर्म के प्रचार के बाद से यह प्राचीन सूर्य मंदिर निष्क्रिय हो गया था। 7वीं शताब्दी में महंत शंकराचार्य यहां आए और दोबारा हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया। 8वीं शताब्दी में तत्कालीन हिंदू राजा ललित आदित्य ने मार्तंड सूर्य मंदिर में दोबारा पूजा शुरू करवाई। पत्थर के 84 स्तंभ वाला ये मंदिर एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, इसमें 37 मूर्तियां भी हैं। इस्लामिक शासक सुल्तान सिकंदर बुतशिकन ने इस मंदिर को गिराने का आदेश दिया था। ये प्राचीन मार्तंड सूर्य मंदिर इतना बड़ा था कि इसे गिराने में कई दिन लग गए थे।
प्राचीन मार्तंड सूर्य मंदिर में करीब 3 दशकों बाद पूजा करने वाले एक पुजारी ने सरकार से कहा है कि कश्मीर में स्थित शारदा पीठ जैसे मंदिरों का फिर से निर्माण कराया जाए। श्री नरेंद्र मोदी जी से, कश्मीर के राज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी से कि आप लोग अभी प्रशासन में हैं, आप लोग सरकारी अथॉरिटी हैं, आप लोगों से निवेदन है और यहाँ सब जनता से भी ये एक निवेदन है कि ज्ञान परंपरा की सबसे जो प्रधान देवी है माँ शारदा, तो शारदा पीठ हमारा पीओके में जो है, हम हिंदू सनातन संस्कृति के फॉलोअर्स या किसी भी जाति संप्रदाय के लोगों को वहां तक जाने के लिए मार्ग खोला जाए, हम लोग वहां दर्शन कर सकें, मां के दर्शन कर सकें, पूजन कर सकें और ये जो भी मंदिर टूट गए हैं इनका पुनर्निर्माण होकर के इनमें भी पूजन परंपरा चालू हो जाए। जैसे आज हमको यहां पूजन करने में थोड़ी समस्या आई क्योंकि यहां पर कानून प्रशासन की प्रबंध रहता है, लेकिन हम चाहते हैं कि इन मंदिरों को पुनर्स्थापित किया जाए और हमारी संस्कृति इसके माध्यम से फले फूले पोषित हो। जय जय श्री महाकाल। आरती का ये शीर्ष भाग बार बार समय समय पर इस पर चोट लगाई गई तो एक तरीके से ये एक हेमरेज का कंडीशन बना, कोमा में आ गया। हमारा भारत जीवित है, हमारी संस्कृति जीवित है, लेकिन आतंकवाद ने इसको क्या किया, चोट लगा लगा करके धीरे धीरे करके आज जीवित है माँ लेकिन एक कोमा की स्टेट में है। तो हम ये चाहते हैं जब कोमा में व्यक्ति होता है तो उसका हार्ट बीट करता रहता है, तो हम जहां से आए राष्ट्रीय अनंत महायोग पीठ, हमारा जो आश्रम है वो माँ भारती के हार्ट चक्र में है, हृदय चक्र में, हम हृदय से आए हैं इस शीर्ष में प्रणाम करते हुए और फिर हम पुनः माँ के चरणों में जाएंगे और ये बार बार हम चरण और सर तक की यात्रा करते रहेंगे और यात्रा ही आदिगुरु शंकराचार्य ने सिखाई थी, हम लोग यात्रा कर करके सबको जागृत करेंगे, यही हमारा संकल्प है। जय जय श्री महाकाल। कश्मीर के अनंतनाग में स्थित इस प्राचीन मंदिर में आखिरी बार 1990 में हवन और पूजा हुई थी, तब पुजारी और स्थानीय लोग मिलकर सूर्य हवन करते थे। 1990 के बाद यानी करीब 30 साल बाद 8 मई को ऐसा नजारा देखने को मिला जब तमाम पुजारियों और कश्मीरी पंडितों ने मिलकर सूर्य हवन करने के साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। और अब इसी पूजा पाठ पर मोदी सरकार के अंतर्गत आने वाले एसआई ने कथित तौर पर आपत्ति जताई है कि पूजा पाठ से पहले उससे अनुमति क्यों नहीं ली गई। बहरहाल इस विवाद पर आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही तमाम अपडेट को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।